दोस्तों, महाभारत के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देख लेते थे, तो उस समय ही कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब कर्ण और अर्जुन के मध्य घमासान युद्ध हो रहा था। दोस्तों, उस समय कर्ण और अर्जुन के मध्य बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा था और कर्ण अर्जुन के ऊपर अत्यंत ही भयंकर बाणों की वर्षा की जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगने लग गए थे और अंत में जाके उनके बाणों से श्री कृष्ण का कवच टूट कर नीचे गिर पड़ा और फिर उनके शरीर पर भी बाण लगने लग गए थे। और दोस्तों, छत पर बैठे हनुमान जी एक ही नज़र से श्री कृष्ण की तरफ देख रहे थे और जब श्री कृष्ण को हनुमान जी ने बिना कवच के देखा और उनके शरीर पर बाणों के घाव को देखा तो हनुमान जी को ये सहन नहीं हुआ और हनुमान जी आक्रामक रूप में आकर गरजने लगे और अपने दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मारने के लिए उठ खड़े हुए। दोस्तों, हनुमान जी का भयंकर गरज सुनकर मानो ऐसा लगने लगा कि ब्रह्मांड फट गया। दोस्तों, कौरवों की सेना तो पहले युद्ध भूमि से भाग गई थी और अब पांडवों की सेना भी हनुमान जी का क्रोध देखकर भागने लग गई थी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण भी डर गया और उनके हाथ से भी धनुष छूट कर नीचे गिर गया था। और यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण तत्काल खड़े हुए और अपने दाहिने हाथ से हनुमान जी को पकड़ लिया और सावधान किया, रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण के रोकते ही हनुमान जी रुक गए, किंतु उनकी पूंछ आकाश में खड़ी होकर हिलने लग गई थी। उनके हाथों की मुट्ठियाँ बंद थी और वे दांतों से कट करा रहे थे और अपनी क्रोध भरी आंखों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनका सारथी कांपने लग गया था। और दोस्तों, हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देख श्री कृष्ण ने कड़वे स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो, अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण की तुम्हारी दृष्टि से ही मौत हो जाएगी। ये त्रेता युग नहीं है, तुम्हारे पराक्रम तो दूर, तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई सहन नहीं कर सकता। तुम मेरे इस युद्ध में शांति से बैठकर रह सकते हो। फिर हनुमान जी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और शांति से बैठ गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।